मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का है, इसको हम समझेंगे। इसके जो राइटर हैं 100 ड्रेसेस स्टोरी के, इसके नाम है एल बोजर एस्टर, अर्थात इन्होंने 100 पोशाकें नाम की एक बहुत ही संवेदनशील कहानी लिखी हुई है और इस कहानी को हम आज समझेंगे। कहानी को समझने के पहले हम ये बोलेंगे कि हम जिस समाज या जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर हर किसी का, किसी भी व्यक्ति को परखने का नजरिया कैसा होता है, अलग अलग। कुछ लोग पैसों की तुलना करते हैं, यानी अमीरी और गरीबी को देख करके उस व्यक्ति के बारे में धारणाएं बनाते हैं। कुछ लोग किसी जाति या वर्ग को देख करके बनाते हैं, कुछ लोग रहन सहन के ढंग को देख के बनाते हैं, कुछ लोग उसकी पर्सनालिटी पे बेस्ड होकर के बनाते हैं। तो वहीं कुछ लोग पॉलिटिकल अप्रोच के साथ भी करते हैं और कुछ लोग बुद्धिमत्ता के तौर पर भी लोगों को परखते हैं और अंतर रखते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सामने वाले को किस आधार पर पहचानते हैं। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चीज का, अमीरी गरीबी, रंग भेद, वर्ग और भेद, इसके आधार पर नहीं होना चाहिए। यही जो मूल मकसद है वो इस स्टोरी में समझाया गया है। यहाँ बताया गया है कि जो पोलिश, यानी जो पोलैंड वासी रहते हैं, वो कहाँ आते हैं, अमेरिका में माइग्रेटेड होकर के आते हैं, मतलब वहां से वो प्रव्रजन करते हैं। तो जब वो अमेरिका में आकर के बसते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग उनका वहां पर बस जाता है और उनको उनके मूल के आधार पर, यानी पॉलिश कहा जाता है, वो जिस जगह के थे उस मूल जगह के आधार पर उनको पॉलिश कहा जाने लगा। ये कहानी जो है एक पॉलिश गर्ल जिसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की, उसके इर्द गिर्द घूमती है। वांडा पेट्रोंस्की का भी जो परिवार रहता है वो अमेरिका में आके बस जाता है और वहां पर ये वांडा नाम की जो लड़की है वो दूसरी अमेरिकी छात्राओं के साथ रह करके इसमें अपनी पढ़ाई करती है। और वहां पर वांडा के साथ जो व्यवहार उसके साथ के सहपाठी करते हैं उसके बारे में हम आज समझेंगे। तो ये वो लड़की है वांडा पेट्रोंस्की और इसकी बेरिंग, ये बहुत गरीब घर से रहती है क्योंकि बहुत ज्यादा इनके पास पैसे नहीं रहते हैं जीवन यापन के। उनके पिता बहुत ही मुश्किल के साथ अपने बच्चों को परिवार से है जीवन यापन करते थे। तो एक दिन क्या होता है, ऑन मंडे वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर क्लास सीट बट नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस। अब एक दिन अपने क्लासरूम में वांडा उस दिन स्कूल नहीं जाती है और वो अपनी क्लास की सीट पर बैठी भी नहीं रहती, यानी वांडा पेट्रोंस्की उस दिन एब्सेंट रहती है, लेकिन कोई भी स्कूली छात्र जो उसकी क्लास का क्लासमेट रहता है कोई भी नोटिस नहीं करता कि आज वांडा नहीं आई है। सब अपनी मस्ती में रहते, सब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. Generally क्या होता, Wanda कहाँ बैठा करती थी? Wanda अपनी क्लास जो थी रूम नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, MCQs में आ सकता है कि Wanda Petronsky कौन से रूम नंबर में, तो रूम नंबर 13 की सबसे लास्ट रो की जो लास्ट सीट होती है कॉर्नर वाली, उस पर बैठा करती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who didn't make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब यहाँ पर वांडा के बारे में बताया जा रहा है कि वांडा सबसे रूम नंबर 13 की सबसे लास्ट सीट में बैठती थी और उसके कोने में जहां पर कि बुरे बच्चे का मतलब जो अच्छे नंबर नहीं लाया करते थे, जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता था, वो भी वहां बैठा करते थे। और वहां पर वो क्या, जो जूतों को फर्श पर रगड़ने की जो आवाज आती है वो स्कफलिंग बोला जाता है। तो जूतों को फर्श पर रगड़ने की आवाज ही उस कॉर्नर से आया करती थी, बहुत ज्यादा हंसी हुआ करती थी, कोई भी जो फनी मोमेंट क्लास का होता था तो वहां पर वो पीछे बैठे बच्चे क्या करते थे, चुहलबाजी किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। और उस जगह पर सबसे ज्यादा मिट्टी और धूल पाई जाती थी, मतलब वांडा पेट्रोंस की जिस कॉर्नर में बैठती थी वहां पर भी बहुत साफ सफाई नहीं रहा करती थी क्योंकि बच्चे बहुत उधम वाले थे। अब
द स्टूडेंट्स वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर। अब क्या होता था, वांडा पेट्रोन्स की एक बहुत ही दुबली पतली सी लड़की थी जो बहुत आकर्षक भी नहीं दिखती थी, लेकिन उसका नाम भी बहुत अजीब इसलिए लोगों को लगता था क्योंकि जनरली उस क्लास के बच्चों के नाम एलन, स्मिथ, जॉन इस टाइप से हुआ करते थे। तो वहां के जो क्लास के बच्चे थे उनको ये वांडा पेट्रोन्स की नाम जो था बड़ा अजीब लगा करता था। उनको लगता था कि ये एक बहुत अजीब सा एक चीज है जो हमारी क्लास में आया हुआ है। तो सब मिलकर के क्या बनाते थे, वांडा का मजाक उड़ाया करते थे और उसका इंतजार करते थे कि कब वांडा मिले और कब हम उसका मजाक उड़ाएं। बट ऑन वेंसडे पेगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर्स वॉज करली। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। अब क्या होता है, वही वांडा की क्लास में जब कोई उसको नोटिस ही नहीं करता कि आज वांडा आई है कि नहीं, तभी बुधवार वाले दिन दो लड़कियां उस क्लास की, एक का नाम था पैगी एंड सेकेंड वन मैडी। तो पैगी और मैडी नाम की जो लड़कियां थी जो कि कहाँ बैठा करती थी, फ्रंट की सीट में उन बच्चों के साथ जो अच्छे नंबर लाया करते थे और जो कीचड़ वगैरह से भी दूर रहते थे, मतलब अच्छे अच्छी जगह से आया करते थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि वांडा जो है वो क्लास में एब्सेंट है, वांडा क्लास में प्रेजेंट नहीं है। अब जो पैगी नाम की लड़की है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि पैगी क्लास की, अब स्कूल की सबसे पॉपुलर है ना, सबसे जानी पहचानी, सब लोग उसको पसंद करते थे, ऐसी लड़की थी। और वहीं जो मैडी थी वो पैगी की बहुत अच्छी सहेली थी, क्लोज फ्रेंड थी उसकी। और पैगी जो थी देखने में कैसी थी, हाउ वॉज पैगी, पैगी शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज करली। वो बहुत सुंदर दिखती थी, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें हुआ करती थी और उसके हेयर जो थे वो कैसे थे, करली थे, घुंघराले बाल थे। पैगी के बारे में पूछा जा सकता है। और मैडी जो थी वो पैगी की बहुत अच्छी सहेली थी। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज टफ, इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। अब क्या है, जहां पर हमने पैगी और मैडी के बारे में समझा, तो वांडा जो थी, वांडा का कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि कोई भी बच्चों से दोस्ती ही नहीं करना चाहता था। वो स्कूल भी अकेले ही आती थी और घर भी अकेले ही जाती थी, यानी उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी और वो किसी से कोई बात भी नहीं करती थी, ना उधम करती थी, ना कोई शोर शराबा करती थी। यदि कोई कुछ बोलता था तो धीरे से मुस्कुरा देती थी। वो हमेशा एक ड्रेस पहना करती थी जो फेडेड ब्लू ड्रेस, फेडेड ब्लू ड्रेस मतलब जिसका लगभग कलर उड़ सा जाता है, ऐसे रंग उड़ी वाली कलर की, ब्लू कलर की वो ड्रेस पहना करती थी जो कि उसके शरीर में फिट भी नहीं होती थी, मतलब ऐसा लगता था जैसे उसको फिट जानबूझ के किया गया हो, लेकिन वो ड्रेस क्लीन यानी साफ सुथरी रहती थी। हाँ, उसमें आयरन नहीं किया जाता था, वो प्रॉपरली प्रेस नहीं होती थी, यानी उसमें सिल्वरटे टाइप की पड़ी रहती थी। तो वांडा ऐसी लड़की थी, ऐसा उसका लक्षण था, तो उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता था, वो क्लास में बिल्कुल अलग थलग पड़ी रहती थी। कभी कभी लड़कियां जैसे पैगी जो थी, वो बच्ची बहुत अच्छी थी, वो सब लोगों की मदद किया करती थी, छोटे बच्चों को बड़े बच्चों के अत्याचारों से बचाती भी थी और सब कुछ करती थी, लेकिन इसके बाद भी वो वांडा का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं होती थी। वो हमेशा, एक दिन पैगी और मैडी उसको हमेशा रुक करके पूछते थे, एक दिन बच्चे जब हॉप स्कॉच नामक गेम खेला करते, चीटी दब जैसा हॉप स्कॉच गेम, तभी ये पैगी और मैडी उसके पास पहुंच जाते हैं। तो पैगी उससे पूछती है, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। पैगी बोलती है, अच्छा वांडा ये तो बताओ कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी पोशाकें हैं जो तुम्हारी अलमारी में टंगी हुई हैं। Yeah, 100, all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. तो वांडा कहती, हाँ मेरे पास 100 पोशाकें हैं और 100 की 100 पोशाकें एक मेरे क्लोजेट में लाइन से टंगी हुई हैं। और इतना कहने के बाद उसके पतले होंठ एक उदासी में एक चुप्पी के साथ चिपक जाया करते थे, मतलब
वांडा को मालूम था कि वो क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बैट सेट पैगी। पैगी उसका मजाक करते हुए कहती है, अच्छा, तो वो कैसी हैं? मुझे लगता है सारी सिल्क की ड्रेसेस होंगी तुम्हारे पास। मैं शर्त लगाती हूँ तुम्हारे पास सारी सिल्क की ड्रेसेस हैं। यह ऑल सिल्क ऑल कलर्स। वांडा कहती है, हाँ, मेरी सारी पोशाकें सिल्क की हैं और सारे भिन्न भिन्न रंगों वाली ड्रेसेस हैं। वेलवेट टू। अच्छा, तो क्या तुम्हारे पास वेलवेट यानी मखमल की भी पोशाकें हैं? या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस। वांडा वुड रिपीट स्टोली डी ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट। वांडा बोलती, हाँ, पूरी 100 की 100 पोशाकें हैं जो कि मेरी अलमारी के क्लोजेट में टंगी हुई हैं। ऐसा वांडा पैगी को आंसर करती है। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारे पास 100 पोशाकें हैं तो तुम्हारे पास जूते कितने हैं? कितने जूते हैं तुम्हारे पास? 60 पेयर्स। मेरे पास जूतों की 60 जोड़ियां हैं। 60 जोड़ी जूते मेरे पास हैं। ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट। और सब के सब मेरी अलमारी में सुरक्षित रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्रीगेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस। ऑल अलाइक। ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। अब सब एकदम से आश्चर्य से बोलते हैं, अरे ये तो दुबली पतली सी लड़की है, ऐसी इसने भद्दी सी कलर की ड्रेस पहनी हुई है, इसके पास ढंग के जूते भी नहीं, और ये हमसे बोल रही मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं। तो बोलती, हाँ, और सब अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग रंगों में हैं, सबके सब मेरी अलमारी की क्लोजेट में जमे हुए हैं। आप सोच सकते हो बच्चों कि किस प्रकार से जो बच्चे मजाक उड़ाते हैं बच्चों का। तो ऐसा कह के जब वांडा जाती है तो जितनी लड़कियां रहती हैं वो सब उसके ऊपर बहुत तेजी से चीख चीख करके ताली पीट पीट करके हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी जब अब पैगी और मैडी को अच्छा नहीं लगता रहता क्योंकि वांडा उनको दिखाई नहीं देती, अब वो किस पर मजाक उड़ाए। तभी जो पैगी की सहेली थी, क्लोज फ्रेंड थी, इसका नाम था मैडी, उसको बहुत बीच में अंदर से बुरा भी लगता था क्योंकि जो मैडी थी वो भी बहुत रिच फैमिली से नहीं थी। उसकी माँ भी पैगी के उतारे हुए जो कपड़े थे वो मैडी को फिट करके पहनाती थी, और मैडी को लगता था कि नहीं, पैगी को वांडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो क्या करती है, वो क्लास में बैठी रहती है और उस समय एक गणित का क्वेश्चन हल करती रहती है, 8 × 8। तो वो जोड़ नहीं पाती क्योंकि उसका दिमाग जो रहता है वो कहीं और लगा रहता है। वो सोचती रहती है कि पैगी को वांडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसलिए वो क्या करती है, पैगी के लिए एक नोट लिखती है। वो एक नोट लिखती है अपनी नोटबुक में और उसमें लिखती है कि स्टॉप, अब पैगी तुम वांडा का मजाक नहीं उड़ाओ। जैसे ही वो ऐसा लिखती है तो सोचती है, वो एक सपने में चली जाती है कि वो देख रही है कि वांडा की जगह मैडी खुद खड़ी हुई है। पैगी और स्कूल की बहुत सारी बच्चियां मिल करके अब किसका मजाक उड़ा रहे हैं, मैडी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैडी क्या हो जाती है, डर जाती है कि अगर मैंने पैगी को वांडा के मजाक उड़ाने के लिए मना किया तो पैगी उल्टा मेरा ही मजाक ना उड़ाने लगे। इस डर के कारण वो जो नोट लिखती है, मतलब उसको वांडा के प्रति जो सहानुभूति रहती है, वो पैगी के डर के कारण निकाल करके फाड़ करके उसको टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक देती है। व्हाइल मैडी वर्कड ऑन एन अर्थमेटिक प्रॉब्लम शी थॉट अबाउट राइटिंग अ नोट ऑन पैगी आस्किंग हर टू स्टॉप दिस गेम। तो वो पैगी को जो बोलना चाहती थी कि अब हमको ये मजाक उड़ाने वाला गेम जो है वो बंद कर देना चाहिए। सो शी टोर द नोट एंड होप्ड पैगी वुड स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा। तो इस डर के कारण कि कहीं वांडा के बदले पैगी मेरा मजाक ना उड़ाने लगे, तो मैडी उस नोट जो लिखती है वांडा को पैगी के लिए, उसको फाड़ करके अलग कर देती है और सोचती है शायद ऐसा हो जाए कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। अब क्या होता है क्लास में एक प्रतियोगिता, एक कॉन्टेस्ट आयोजित की जाती है जिसमें दो चीजें रहती हैं। बॉयज के लिए रहता है डिजाइनिंग मोटर बाइक, मोटर बोट्स की डिजाइन बनाना, और गर्ल्स के लिए दिया रहता है कि आप सब बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस की ड्राइंग बनाए। मतलब एक दिन मिस मैसन जो रहती हैं, जो उनकी क्लास टीचर रहती हैं, वो एक कॉन्टेस्ट के बारे में बताती हैं कि बॉयज को
सुंदर सुंदर मोटर बोट्स के ऊपर ड्राइंग बनाना है, और जितनी गर्ल्स हैं क्लास की उनको बहुत सुंदर ड्रेसेस की डिजाइनिंग बनाना है, इस पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाना है। तो अब सब क्या होता है, सब बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि अब हम क्या बनाएंगे, ड्रेसेस की डिजाइन बनाएंगे। पैगी जो रहती है, चूंकि वो बहुत सुंदर ड्राइंग करती है, बहुत अच्छी चित्रकारी कर लेती थी, जैसा सीन वो देखती थी उसको सेम वैसा ही बना लेती थी। तो मैडी को लगता है कि इस बार जो ड्रेस डिजाइनिंग का जो कंपटीशन है गर्ल्स में, वो पैगी ही जीतेगी और बॉयज में देखते हैं कौन जीतता है, ऐसे करके। लेकिन इस समय तक भी वांडा स्कूल नहीं आती है। अब क्या होता है, द नेक्स्ट डे इट वॉज रेनिंग, सो पैगी एंड मैडी रन स्ट्रेट टू स्कूल विदाउट वेटिंग फॉर वांडा। अब क्या होता है, अगले दिन बहुत ज्यादा पानी बरसने लगता है, तो पैगी और मैडी जो रहती है, जिनकी आदत रहती है कि वो वोगिंग हाइट्स के बाहर खड़े होकर वांडा का क्या करती है, इंतजार किया करती थी और उसका मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन पानी बरसने के कारण क्या करती है, वो वांडा का इंतजार नहीं करती है और सीधे ही स्कूल आ जाती है। अब क्या होता है कि स्कूल आकर के सबको ये एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं, जो ड्रेस डिजाइनिंग का जो कॉम्पिटिशन है उसमें गर्ल्स में कौन जीतेगा, पैगी जीतेगी। लेकिन वो देखती हैं जैसे ही वो क्लास के अंदर एंट्री करती हैं, तो क्लास में बहुत सुंदर सुंदर पोशाकों की जो ड्राइंग है वो बहुत सुंदर ढंग से टंगी हुई रहती हैं, और सारी पोशाकें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहती हैं और बहुत ही प्यारी रहती हैं। तो उनकी जो टीचर रहती है मिस मैसन, वो कहती हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। वो कहती हैं कि वांडा पेट्रोंस्की जो है वो लड़कियों की जो प्रतिस्पर्धा थी ड्रेस बनाने वाली, उसमें विनर है और वो मेडल उसको वांडा पेट्रोंस्की का को मिलेगा, क्योंकि शी ड्रू 100 ड्रेसेस डिजाइन, क्योंकि उसने, किसी ने एक या दो बनाई लेकिन उसने पूरी 100 ड्रेसेस डिजाइन की है। और ये जो डिजाइनिंग आप देख रहे हैं ये यहाँ पर किसके द्वारा बनाई हुई है, वांडा पेट्रोंस्की के द्वारा बनाई गई थी। मेडल रियलाइज दैट एंड ऑन द ड्राइंग्स वर मेड बाय वांडा, और पूरे उसमें देखती हैं जब मैडी और पैगी, तो पूरी डिजाइनिंग जितनी टंगी हुई रहती है वो सब किसकी रहती है, वांडा पेट्रोंस्की की बनाई रहती है। तब मैगी बोलती है कि देखो पैगी, तुमको जो उसने ब्लू ड्रेस के बारे में बताया है वो ये टंगी हुई है, और एक जो ग्रीन कलर की रेड सेशेस वाली ड्रेस थी वो ये टंगी हुई है, देखो इसने कितनी खूबसूरती के साथ वांडा ने ये डिजाइंस बनाई हुई हैं। अब यहाँ पर पैगी और मैडी इस चीज को रियलाइज करते हैं कि हम वांडा पेट्रोंस्की का जो मजाक उड़ाते थे वो कितना गलत करते थे, और किस प्रकार से वांडा ने जो डिजाइन, जिन ड्रेसेस के बारे में बताया, वो पूरी की पूरी 100 ड्रेसेस जो है उसने अपनी इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन में निकाल दी। इसके आगे बच्चों हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि क्या पैगी और मैडी का हृदय परिवर्तन होता है, वो क्या सोचती हैं, और आगे वांडा पेट्रोंस्की स्कूल नहीं आई तो आगे क्या होता है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे।